प्यारे दोस्तों, मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडियाज फर्स्ट अनर्स मेंबरशिप चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे, कल आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ ही आपके बहुत सारे सवाल। रिजल्ट्स में अलग अलग तरह के टर्म्स जैसे SYC, SYCP, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इनका क्या मतलब होता है, और बात करेंगे कि आपकी मार्कशीट जो है वो आपको कब तक मिल सकती है और आप जल्दी से अपना मार्कशीट कैसे ले सकते हैं। ये सभी बातें आपको आज की वीडियो में समझने को मिलेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इन सभी कंफ्यूजन का सलूशन आपको अभी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे एनएस का इकलौता फर्स्ट एनएस का मेंबरशिप चैनल है, जहां हम आपकी सभी परेशानियों को सुनते हैं। आप केवल एक कॉल करके, ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे आप अपनी परेशानियों पे सॉल्यूशन ले सकते हैं। मेंबरशिप जो कि पूरे 30 दिन के लिए होता है, जिसके लिए आपको 300 पे करना होता है, तो आज ही मेंबरशिप को ज्वाइन करें और इस नंबर को सेव कर लो, क्योंकि कभी भी ये आपके काम आ सकता है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करके इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपके रिजल्ट में आ चुका है SYC, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? SYC का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट एक्ट टू बी क्लियर, यानी कि आपको ये सब्जेक्ट जो है क्लियर करना है, यानी कि आपको इसका थ्योरी का एग्जाम भी देना है और आपको इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना है। यानी आपको यहाँ पे अगर SYC है, इसका मतलब है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों एग्जाम आपको देने हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आपके SYC है। ठीक, अब चलते हैं इसके आगे, बात करते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको TMA देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने TMA एक बार दे दिया है तो आपको बार बार TMA देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। इसके आगे देखते हैं SYCP। SYCP का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम को क्लियर करना होता है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट टू भी क्लियर इन किस में करना है, आपको प्रैक्टिकल में करना है। इसके आगे बात करते हैं इस टर्म्स का, SYCT, इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे आपको थ्योरी का एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, तो ये आप समझ गए। अब इसमें बात करते हैं, अगर आपके पास ये XXX करके ये आपके रिजल्ट में आया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाता है कि जो आपका रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है, यानी कि नॉट क्लियर से मतलब ये है कि या हो सकता है वो आपका TOC वाला केस हो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से आपके रिजल्ट्स को यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो इस कंडीशन में जो है ये आपका इसलिए शो हो रहा है। अब इसके बाद करते हैं ये दो टर्न, ये INPR और AWDL, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये दोनों स्टूडेंट्स जो होते हैं ये पास है। देखो समझो, ये दोनों स्टूडेंट्स जो होते हैं ये पास है। ठीक, अब बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जो है पास हो और आप यहाँ पे क्या है कि आपने एक कोई अलग सब्जेक्ट जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, इसका ये मतलब हो जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप पास हो, AWDL में भी आप पास हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपने अप्लाई किया था किसी एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, यानी आपका जो एक एडिशनल सब्जेक्ट्स है उसमें आपने पास होने के लिए, मतलब उसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो ये दोनों स्टूडेंट्स INPR वाले, AWDL वाले दोनों ही पास होते हैं। इसके बाद करते हैं AB। AB का मतलब हो जाता है एब्सेंट। अब इस एब्सेंट का क्या मतलब है जरा समझे। एब्सेंट का मतलब हो जाता है कि आप एग्जाम देने गए और लेकिन क्या है कि वहां पे आपका अटेंडेंस जो है मिस हो रहा है। अगर आप एग्जाम देने गए हो तो आपको क्या करना है, जो आपका एग्जाम सेंटर था वहां पे आपको जाना है और एग्जाम सेंटर में जहां पे आपने एग्जाम दिया है वहां पे उनका एक अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है, तो आपको उनसे एक वो कॉपी मांग लेनी है, यानी एक पेज मांग लेना है,
और उसका एक प्रिंट यानी कि उसकी एक फोटोकॉपी करके वो आपको अपने रीजनल सेंटर एक एप्लीकेशन के साथ आपका हॉल टिकट, सुनो मैं समझाता हूँ, आपको अपना हॉल टिकट जिसमें सब कुछ मेंशन है और साथ में वो जो अटेंडेंस वाला अपने लिए एग्जाम सेंटर से वो, और इनको जो है और एक एप्लीकेशन के साथ कि सर मैं एग्जाम में था और मैं एबसेंट नहीं हूँ, तो इस तरीके से आप उनको जो है रीजनल सेंटर को आप जो है इसको बाय पोस्ट या ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन बात करते हैं रिजल्ट तो तैयार हेड ऑफिस में होता है, तो देखो आपको करना क्या है, रीजनल सेंटर के साथ साथ आप एक कॉपी क्या करो, एक कॉपी आपको हेड ऑफिस को भी भेज देना चाहिए, यानी कि आप एक हेड ऑफिस को भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से वो देखेंगे और आपके रिजल्ट को क्लियर कर देंगे। अगर आप चाहे यहाँ पे तो आपके प्रॉब्लम्स को लेके हम हेड ऑफिस जाएंगे और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप आज ही मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें। तो अधिक जानकारी के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना होता है, क्योंकि जो ये परेशानी है इंडिविजुअली यानी आपकी क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, समझना होता है, ये आपके लिए भी जरूरी है। तो यहाँ तक आप समझ गए, अब इसके बाद करते हैं मार्कशीट की। तो देखिए जो मार्कशीट है वो आपका आएगा नॉर्मली पास होने के 15 दिन में आपको ये मार्कशीट आपको मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन उनके लिए है, समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये जो 15 दिन है ये 15 दिन उनके लिए हो जाता है जिनका रीजनल सेंटर एमएस हेड ऑफिस से नजदीक है। अगर आपका दूर है तो इसको फिर आप 30 दिन कर लो, और अगर आपका बहुत दूर है तो ये आपका हो गया 45 दिन, यानी कि आपका रीजनल सेंटर से यानी एनएस हेड ऑफिस से आपका रीजनल सेंटर कितना दूर है ये आपको दिमाग में बिठा के रखना चाहिए, और इसी तरीके से आपका जो है मार्कशीट इतनी जितनी दूरी होती है उतना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। लेकिन ये मिलेगा कहाँ, ये आपका मार्कशीट आपको मिलेगा आपके स्टडी सेंटर पे, समझ गए, आपका जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर कहाँ होता है, स्टडी सेंटर आपको पता है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाले एनएस का, उस पर नीचे देखे फ्रंट में लिखा हुआ है स्टडी सेंटर, तो आपको उसी स्टडी सेंटर पे जाना है और ये आपको मार्कशीट मिल जाएगी। और अगर आप जल्दबाजी चाहते हैं कि जल्दबाजी में आपको मार्कशीट मिले, तो डिजी लॉकर के जरिए भी आप अपने मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर में कम से कम आपको 1 वीक 7 डेज का टाइम जो है आपको देना चाहिए, और 7 डेज के बाद आपको आपका जो डिजी लॉकर है, लेकिन डिजी लॉकर में ध्यान क्या रखना है, जिस नंबर से आपने एडमिशन लिया था उसी नंबर से, एनएस में जिस नंबर से आपने एडमिशन लिया था, जिस मोबाइल नंबर से, उसी नंबर से आपको डिजी लॉकर में रजिस्टर होना है। तो इस तरीके से आप डिजी लॉकर में भी अपने मार्कशीट को ले सकते हैं, और कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं आप तो वहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके काम आएगा। और अभी इस बार से जो है आपको 3 मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपको 1 मिलेगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें, और नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।